और प्रेत बाधा मुक्ति के लिए 10 सरल उपाय। हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। देखिए, भूत हर कोई मानता है, बहुत लोग नहीं मानते हैं। मैं पर्सनली नहीं मानता हूं कि भूत ही भय है और भय ही भूत है, ये मेरा पर्सनली मानना है। पर आज साइंस भी प्रूव कर चुका है कि भूत है। तो भूत और प्रेत बाधाओं को भगाने के मैं कुछ 10 सरल उपाय बता दे रहा हूं, कभी ट्राई करके देखिएगा अगर कोई भूत सामने आ गया तो। हिंदू धर्म में भूत से बचने के अनेक उपाय बताए गए हैं। चरक संहिता में प्रेत बाधा से पीड़ित रोगी के लक्षण और निदान के उपाय विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष साहित्य में मूल ग्रंथों प्रश्न मार्ग, बृहत परासर, ओरासार, फल दीपिका, मानसागरी इत्यादि में ज्योतिषीय योग हैं, जो प्रेत पीड़ा, पितृ दोष आदि बाधाओं से मुक्ति के उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में भूतों और दुष्ट आत्माओं को भगाने से अनेक संबंधित उपाय का वर्णन मिलता है। मैं आपको करता हूं या बताता हूं, प्रस्तुत करता हूं प्रेत बाधा से मुक्ति के 10 सरल उपाय। ओम या रुद्राक्ष का अभिमंत्रित लॉकेट गले में पहने और घर के बाहर एक त्रिशूल में जड़ा ओम का प्रतीक दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। सिर पर चंदन, केसर या भगूति का तिलक लगाए। हाथ में मौली, इसे मौली कहते हैं, नाड़ा अवश्य बांध कर रखें। दूसरा उपाय, दीपावली के दिन सरसों के तेल का या फिर शुद्ध घी का दिया जलाकर काजल बना लें। यह काजल लगाने से भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी आदि से रक्षा होती है और बुरी नजर से भी रक्षा होती है। ये गांव में पहले हमारी माँ या हमारी दादी जी बनाती थी, दिवाली की रात घी या सरसों का तेल लगा देती थी और उसके ऊपर दिया जला के फिर उसको बड़े दिया से ढक देती थी, कवर कर देती थी और थोड़ा सा उठा देती थी ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए, ताकि दिया जो है वो मिटे नहीं। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान या किसी अन्य पवित्र स्थल पर कपूर तथा लौंग जला दें। इसे आकस्मिक, दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्ति मिलती है। फिर प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्प नक्षत्र में चिड़चिड़े, चिड़चिट्टे होता है, चिड़चिट्टे अथवा धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़ कर उसे धरती में ऐसा दबाएं कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती है और व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। अभी प्रेत बाधा निवारक हनुमत मंत्र है, ओम एम ह्रीम श्रीम राम ह्रीम ह्रूम है ओम नमो भगवते महाबल प्राकार्य भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षिनी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बैताल ग्रह राक्षसाधिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रवतार हूं फट स्वाहा। इस हनुमान मंत्र का 5 बार जाप करने से भूत कभी भी निकट नहीं आ सकता है। मैं मंत्र डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिख दूंगा, आप देख लीजिएगा ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर अशोक वृक्ष के नीचे अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रखें। यह क्रिया नियमित रूप से करें, आपका घर भूत प्रेत बाधा नजर दोष आदि से मुक्त होगा। ये सब टोटका है जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर गणेश भगवान को एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं, सुपारी मतलब कसेली कहीं कहीं बोलते हैं, एक पूरी सुपारी रोज चढ़ाएं और एक कटोरी चावल दान करें। यह क्रिया एक वर्ष तक करें, नजर दोष और भूत प्रेत बाधा आदि के कारण बाधित सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। मां काली के लिए उनके नाम से प्रतिदिन अच्छी तरह से पवित्र की हुई 2 अगरबत्ती सुबह और 2 दिन ढलने से पूर्व लगाएं और उनसे घर और शरीर की रक्षा करने की प्रार्थना। हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करें और चोला चढ़ाएं। मंगलवार या शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ शुरू करें, ये डर और भय को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है। इसी तरह
कुछ सरल और प्रभावशाली टोटकियां जो मैंने आपको बताए जिनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। ध्यान रहे, नजर दोष, भूत प्रेत, बाधा आदि से मुक्ति हेतु उपाय करने के लिए चाहिए टोना या टोटके। अभी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब नहीं पिएं और न ही मांस का सेवन करें। नदी, पुल या सड़क पार करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें। एकांत में शयन यात्रा करते समय पवित्रता का ध्यान रखें। पेशाब करने के बाद आप धो लिया कीजिए या ढेला वश लें और जगह देखकर ही पेशाब करें। रात्रि में सोने से पूर्व भूत प्रेत पर चर्चा नहीं करें। किसी प्रकार के टोने टोटकों से बच कर रहें। ऐसे स्थान पर न जाएं जहां पर तांत्रिक अनुष्ठान होता है, जहां पर किसी पशु की बलि दी जाती हो या जहां भी लोबान आदि के धुएं से भूत भगाने का दावा किया जाता हो। भूत भगाने वाले सभी स्थानों से बच कर रहें क्योंकि धर्म और पवित्रता के विरुद्ध है। जो लोग भूत प्रेत या पितरों की उपासना करते हैं वह राक्षसी कर्म के होते हैं। ऐसे लोगों का संपूर्ण जीवन ही भूतों के अधीन होता है। भूत प्रेत से बचने के लिए कोई भी टोने टोटके न करें जो धर्म विरुद्ध हो सकता है आपको इसका तत्कालीन लाभ मिल जाए, लेकिन अंततः जीवन भर आपको परेशान रहना पड़ेगा। धन्यवाद।